वेलकम टू यूट्यूब चैनल सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास नाइन मैथ्स का चैप्टर थ्री जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो इसकी हमने असाइनमेंट फ्रेम की है और ये असाइनमेंट सारी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करेगी तो इस असाइनमेंट को बनाने में हम दो वीडियोस का यूज़ करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है तो इसके बाद आप पार्ट टू भी देखें सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन एंड द क्वेश्चन नंबर वन इज़ द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द कार्टिजन प्लेन इन टू डैश पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड डैश तो देखिए जो कार्टीजन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं जैसे ये वाई एक्सिस होगी ये एक्स एक्सिस होगी ठीक है ये हमारे प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दिस इज फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट तो फोर पार्ट में ठीक है एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट P 5.2 कामा टू इन एक्स एक्सिज इज पॉइंट Q, तो सबसे पहले हम आ, P पॉइंट ड्रॉ करके देखते हैं तो चलिए P पॉइंट हम ड्रॉ कर रहे हैं मान लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड वन टू ये हमारा पॉइंट है फाइव कॉमा टू ठीक है तो इसका जो मिरर इमेज है एक्स एक्सिस पे वो क्यू है तो मिरर इमेज होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस को आपने मिरर सपोज करना है और ये मिरर से जितने ऊपर है पॉइंट उतने ही ये नीचे दिखाई देगा तो दो पॉइंट ऊपर है तो दो पॉइंट नीचे दिखाई देगा तो वो यहाँ होगा तो एक्स एक्सिस के थ्रू इसकी मिरर इमेज क्यू है ये है दैट इज़ फाइव कॉमन माइनस टू आ जाएगा ठीक है तो आगे क्या बोलते हैं कि एंड द इमेज ऑफ क्यू इन वाई एक्सिस इज आर तो भाई इस क्यू की जो इमेज है वाई एक्सिस में तो अब वाई एक्सिस मिरर बन जाएगा तो ये वाई एक्सिस के जितने राइट right साइड में है उतने ही लेफ्ट में दिखाई देगा तो ये है पांच इस साइड को तो पांच इस साइड को दिखाई देगा तो यहाँ पे माइनस फाइव और यहां जैसे ये वाई एक्सिस के अंदर दिखाई देगा तो इट इज माइनस फाइव माइनस टू आ जाएगी इसके कोऑर्डिनेट्स आर के तो क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर तो इट इज माइनस फाइव माइनस टू सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर हिस्सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओजवार गुरुकुल आप सभी के लिए क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए एक बुक लाए हैं नहीं नहीं एक बुक नहीं बल्कि छह छह बुक्स लाए हैं ये जो आपकी स्क्रीन के सामने ये मैथमेटिक्स की बुक है जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस डाले हैं वो मिलेंगे हिंदी कोर्स ए की भी है हिंदी कोर्स बी के भी है अलग अलग बच्चों के लिए भी है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको सोशल साइंस साइंस एंड इंग्लिश के भी आपको मिलेंगे So, बच्चों आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए सो so, इसको परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसको परचेज करके अपना बेनिफिट उठाएं तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फोर कॉमर थ्री फ्रॉम ओरिजिन तो ये पॉइंट है हमारा फोर कॉमर थ्री दिस इज वन टू थ्री फोर वन टू थ्री तो थ्री सॉरी फोर कामा थ्री ये रहा फोर कामा थ्री इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से बतानी है तो देखिए ये तो हो गया हमारा फोर और ऊपर को हो गया थ्री ये बन गया राइट right एंगल अब यहाँ से डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से डिस्टेंस ये डिस्टेंस ठीक है तो देखिए ये फोर है ये थ्री है अब पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये फाइव आएगा ठीक है फॉर्मूला क्या है हमारे पास हाई पोटोन्यूज इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र ठीक है तो हाई का स्क्वेयर बन गया पी स्क्र फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन प्लस थ्री का स्क्यर नाइन तो सिक्सटीन प्लस नाइन कितना होता है ट्वेंटी फाइव सो एच स्क्र इज ट्वेंटी फाइव सो एच विल बी फाइव आ जाएगा हमारा तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हीयर द फोर्थ क्वेश्चन इज इन विच क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव तो देखिए ये हैं क्वाड्रेंट फोर क्वाड्रेंट्स फर्स्ट क्वारेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं सेकेंड में देखिए x नेगेटिव हो गया इस साइड और y पॉजिटिव हो गया और थर्ड में x नेगेटिव और y भी नेगेटिव और फोर्थ में यहाँ पे x भी x पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव हो गया देखो क्या क्वेश्चन है बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव दैट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट सो इन डैश एंड डैश क्वाडिनेट्स साइन ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट्स आर सेम तो देखिए सेम साइन तो एक फर्स्ट में है देखो प्लस प्लस साइन और एक थर्ड में है फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर नेक्स्ट पॉइंट माइनस थ्री माइनस थ्री विल लाई इन विच क्वाड्रेंट? तो देखिए माइनस थ्री माइनस थ्री दोनों माइनस के हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ठीक है तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा इसका आंसर व्हाट इज द सेवेंथ क्वेश्चन इज वट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो देखिए आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू वाई क्वारिनेट्स क्या होता है एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा ज़ीरो होता है ठीक है तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल्स टू ज़ीरो ठीक है सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस तो देखिए ये है एक्स एक्सिस की इक्वेशन इज इक्वल टू ज़ीरो और अगर ये पॉइंट वन है इससे होके कोई लाइन जाए तो इसकी इक्वेशन है इज इक्वल टू वन और कोई लाइन है जो टू से होके जाए यहाँ से तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू टू और यहाँ पे कोई माइनस वन से जाए तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इकल टू माइनस वन तो कोई भी इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल है कोई भी लाइन उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू ए ए मीन्ज एनी नंबर एनी रियल नंबर ठीक है तो y इक्वल्स टू ए वेर ए इज सम रियल नंबर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस तो देखिए y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इज इक्ल टू जीरो और y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाएगी जैसे ये है एक्स इजिकल टू जीरो वाई एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स इजिकल टू जीरो इसके पैरल कोई लाइन जाएगी तो ये होगी एक्स इजिकल टू वन अगर ये वन से गई टू से होके गई तो एक्स इजिकल टू टू तो कोई भी लाइन y एक्सीज के पैरल होगी वो होगी एक्स इजिकल टू ए वेयर ए इज सम रियल नंबर ठीक है तो ये आ गया आपका सी ऑप्शन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड ऑरिजन सो दिस इज ओरिजन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजन आर जीरो कामा जीरो क्योंकि ऑरिजन पे एक्स का कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और वाई का भी ज़ीरो होगा नेक्स्ट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म तो देखिए हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं जैसे ये पॉइंट है इसका नाम होता है वन और इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो वन कामा जीरो ये है टू कॉमा जीरो इस पॉइंट का नाम है थ्री एक्स कोऑर्डिनेट थ्री होगा और वाई जीरो होगा तो थ्री कॉमा ज़ीरो ऐसे अगर हम यहाँ से करें तो माइनस वन कॉमा ज़ीरो माइनस टू कॉमा जीरो तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा ज़ीरो एक्स मीन्स एनी नंबर ओके तो एक्स कॉमा जीरो यू कैन सी ऑल्सो समथिंग कॉमा जीरो इज कमिंग एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तो वाई एक्सेस के ऊपर हमेशा एक्स जीरो so, होगा तो जीरो कॉमा और वाई वाई होगा तो ज़ीरो वाई जैसे ठीक है जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है उसका नाम होगा जीरो कॉमा वन इसका नाम होगा जीरो टू तो ज़ीरो वाई यू कैन से नेक्स्ट ऑन एक्स एक्सिस डैश इज ज़ीरो तो देखिए आपको बताएं कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो होता है और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट ज़ीरो होगा जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है फोर कॉमा फाइव तो इसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट बोल सॉरी एफ बोलेंगे और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे एक्स वाले को एफ ए बी एस सी आई डब्लू एस एफ सीसा एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एफ सीसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट ठीक है तो नेक्स्ट इस फाइनल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट थ्री कॉमा फोर एंड थ्री कॉमा माइनस फोर तो इसको हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं देखिए थ्री कॉमा फोर मान लो ये है थ्री वन टू थ्री फोर तो थ्री कॉमा फोर यहां पर आएगा एंड थ्री कॉमा माइनस फोर थ्री कॉमा माइनस फोर नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ जैसे आएगा थ्री कॉमा माइनस फोर तो ये एक्स एक्सिस से फोर यूनिट नीचे है और ये फोर यूनिट ऊपर है तो टोटल डिस्टेंस बन गई एट यूनिट्स फोर ये फोर ये ठीक है फोर फोर दोनों तरफ तो एट यूनिट्स आ जाएगा आंसर नेक्स्ट इज फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सी से कैसे होती है वो वाई कोआर्डिनेट के बराबर होती है तो ये वाई वाला आंसर आएगा इसमें ऑप्शन गलत हैं आपका आंसर आएगा ओनली वाई ठीक है आप चेक कर लो चाहे ये देखिए सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है थ्री कामा टू तो दैट इज़ दिस थ्री कामा टू अब बताइए ये एक्स एक्सी से कितने डिस्टेंस पे है तो एक्स एक्सी से ये दो कदम दूर है देखिए टू यूनिट्स दूर है तो एक्स एक्सी से कोई भी पॉइंट कितनी डिस्टेंस भी होता है उसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आंसर आता है और ये वाई एक्सिस से कितने दूर है तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तीन यूनिट है ये देखो ये तीन यूनिट ठीक है तो कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस से कितने दूर होता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर और एक्स एक्सिस से कितने दूर होता है वो उसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है ठीक है द नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट थ्री को माइनस फोर फ्रॉम वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस से कोई भी पॉइंट है वो कितने दूर होता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर तो इसका आंसर थ्री आना है सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं थ्री आंसर आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव हो और देखो एक्स पॉजिटिव इधर को होगा और वाई नेगेटिव इधर को होगा ठीक है तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये कौन से क्वारंट में लाई कर रहा है दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है तो विल लाई इन विच क्वाड्रेंट तो यहाँ भी ऑप्शन गलत हो गए हैं तो आपका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट ओके सो इस वीडियो में यहाँ तक और अगले वीडियो में हम करेंगे ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ठीक है तो बने रहें अगले वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको करें ताकि आपको न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे देखिए हमने कितने सारे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आप ये नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें थैंक यू सो मच